नमस्कार, डीएस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर जनपद बाराबंकी से है। तहसील हैदरगढ़ के तहसीलदार रामदेव निषाद की गुंडाई खुलकर आई सामने, जहां तहसीलदार कोर्ट पर एक एप्लीकेशन लेकर गए। वकील रवि तिवारी और तहसीलदार के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। नोकझोंक से आग बबूला हुए तहसीलदार रामदेव निषाद ने वकील को कोर्ट परिसर में ही जमकर पीट दिया। तहसीलदार द्वारा पिटाई किया गया अधिवक्ता भाजपा नेता भी है। रवि तिवारी की पिटाई की जानकारी होते ही हैदरगढ़ तहसील सहित जिले के अधिवक्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता और बीजेपी कार्यकर्ता तहसील परिसर में पहुंच गए। नाराज अधिवक्ताओं ने तहसीलदार को बंधक बना लिया। मामला बढ़ता देख हैदरगढ़ तहसील SDM शालिनी प्रभाकर ने अधिवक्ताओं को वार्ता के लिए कार्यालय बुलाया। नाराज अधिवक्ता लगातार SDM से तहसीलदार को गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए डीएस न्यूज के लिए दिनेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। उन्होंने अपने दोनों होमगार्डों से उसको पकड़वा के उसका गला दबाया और मारपीट की और बेइज्जत करने का प्रयास किया और शायद उनका जेब में पैसे वैसे जो दिए थे वो भी रख लिए, छीन लिया। तो उसमें उसी को लेकर ये विवाद है और तहसीलदार साहब अपने चैंबर में कुर्सी के नीचे घुसे बैठे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इनको निकालिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए और इनके गिरफ्तारी करिए, यही मांग है हमारी। प्रशासन क्या कह रहा है आपसे? प्रशासन कह रहा है, प्रशासन हमें लाली माफ दे रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, आप पहले एफआईआर कराएंगे, फिर डॉक्टरी कराएंगे और संकट धाराओं में गिरफ्तारी करेंगे। आप कैसे संतुष्ट होंगे? हमने ये कहा है कि हमें एक ही मांग है कि इनको पहले अरेस्ट किया जाए, कोतवाली ले जाया जाए और सुसंगत जो धाराएं हैं हमारी हम देखेंगे, अगर सुसंगत धाराओं में एफआईआर हुई है उसके तहत की गिरफ्तारी हो और उनका रिमांड जिला न्यायालय में भेजा जाए। कार्डों के मदद से रवि तिवारी अधिवक्ता को पकड़वाया और उसके ऊपर रातों थप्पड़ों से प्राण घातक हमला किया, गला दबाया और मार डालने के लिए से गला दबा दिया और मारा है, जिसे पूरा अधिवक्ता समाज आंदोलित है और इनके समय तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार से पूरा जनमानस दुखी है, लेकिन ये कोई काम नहीं करना चाहते और ये सिर्फ कैदी डालने के लिए भी हमने तो भेज दिया है। बाद बात कर